स्टूडेंट्स, समुच्चय के इस आज वीडियो में आप समुच्चयों का संघ या सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स और समुच्चयों का सर्वेष्ट या प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, मान लो दो या दो से अधिक समुच्चय हैं, तो पहले हम दो के लिए मानते हैं। माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ए और बी दोनों के अवयवों का जो ग्रुप बनता है, यानी ए तथा बी के सभी अवयवों का समूह संघ या सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए बराबर मैंने ले लिया 1, 2, 3 और बी बराबर ले लिया मैंने 2, 4, 5। बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम इस तरह यू के जैसा सिंबल बनाते हैं। तो अगर हम निकालेंगे ए यूनियन बी, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन कोई खास अंतर नहीं, ए यूनियन बी। तो आपको परिभाषा बताएं, ए तथा बी के सभी अवयवों का समूह। तो देखिए, सभी अवयव ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सभी अवयव इसमें आ गए। देखो, 1, 2, 3 भी आ गया, 2, 4, 5 भी आ गया। तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, यानी कि समुच्चय ए और बी का संघ या सम्मिलन। इधर हम देख लेते हैं, बात करते हैं इन्हीं अवयवों को अगर इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन में लेते हैं, तो ए तथा बी समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन समुच्चय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह होता है इस तरह। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं और बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर हमको देखना है कॉमन। दोनों में देखिए दो है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया दो। अर्थात जब भी यूनियन की बात आए, तो आप 1, 2, 3 जितने भी समुच्चय दिए हो, आप उनके सभी अवयव मिलाकर लिख दीजिएगा, वो आपका यूनियन हो गया। जब इंटरसेक्शन की बात आए, तो आप 1, 2, 3 जितने भी समुच्चय दिए हो, उनमें देख लीजिए जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ पद हो, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब हम इसको एक जो हमारी मूल भाषा है, बीजगणितीय भाषा है, उसमें भी दिखाते हैं। यह देख, किसी भी क्वेश्चन में एक्स अनुपात एक्स बिलोंग टू ए, तो यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि अगर ये बिलोंग टू ए है, इसका मतलब ए का अवयव है, तो या एक्स बिलोंग टू बी, इसका मतलब कि जो हमारा अवयव ए में है अथवा बी में है। लेकिन अगर यहीं पर बात करें हम इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो अवयव यदि एक्स है, इसमें एक्स अवयव है, अगर ए में है या बी में है, तो हमारा कहलाता है यूनियन। लेकिन जब ए में भी हो और बी में भी हो, तो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। इसी को हम ग्राफिकल मेथड यानी कि हम बेन आरेख से सीखेंगे। तो बेन आरेख देख लीजिएगा, बेन आरेख में क्या होता है, जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें, तो ध्यान दीजिएगा,
इस तरह मान लिया एक हमारा कोई सर्वनिष्ठ, ये आपके दो है, ये तो इसको हम नाम देते हैं ए बी, ए और बी। तो ए बी की बात करें तो ए का मान है एक दो तीन, एक दो तीन, और बी का मान है दो चार छः, दो चार पाँच। यहाँ पर देखिए बेन आरेख, इसमें जब हम बेन आरेख बनाएंगे तो थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना है। यहाँ पर भी वही सिस्टम, इसको ए दे दो नाम, इसको बी दे दो, और आपका पहले अवयव है एक दो तीन, एक दो तीन, इधर है दो चार पाँच, दो चार पाँच। बात करते हैं जब बेन आरेख की, तो बेन आरेख हम यहाँ पे बनाएंगे ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी। तो जब ए यूनियन बी बनाएंगे इसका मतलब ए के सभी अवयव आ जाए और बी के सभी अवयव। तो देखिए ये आपका ए, ए पार्ट हो गया पूरा, और ये आपका पार्ट हो गया बी। इस तरह ये जो है ये हो गया ए यूनियन बी। बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कॉमन पार्ट आपका ये ए का हो गया और इधर वाला बी का। तो इस तरह हम समुच्चयों का संघ या सर्वनिष्ठ सीखते हैं। इसमें आप दो चार एग्जाम्पल और आपको बताएंगे, वो आगे क्वेश्चन के साथ बताएंगे। धन्यवाद।